यह ज्योग्राफी क्लास सिक्स का है, चैप्टर सिक्स, मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। हिल क्या है? हिल एक लैंड सरफेस तो है, बट थोड़ा सा राइजेज अप है, हायर देन द सराउंडिंग एरिया। सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग हिल है, ठीक है। और माउंटेन क्या है? ये हिल से थोड़े बड़े होते हैं, इस टाइप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर। 600 मीटर से ज़्यादा होगा तो माउंटेन कहलाया जाएगा। हिल उससे नीचे होगी, 600 मीटर से नीचे होगी। माउंटेन तब होगा जब 600 मीटर से ऊंचा होगा कोई भी लैंड सरफेस, उठ जाएगा लैंड सरफेस। लैंड सरफेस क्यों उठ जाता है? क्योंकि अर्थ के अंदर जैसे भूकंप हो गई, इस तरह से कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई, कोई प्रोसेस में चेंज हो गया, तो उस तरह से ज़मीन ऊपर नीचे हो जाती है, तो हिल बन गई है। हिल एक लैंड का उठा हुआ वो पार्ट है, ज़मीन थोड़ा सा ऊपर उठ जाए तो हिल हो गया। अगर 600 मीटर से ज़्यादा उठ जाए तो वो हो जाएगा माउंटेन। माउंटेन एक नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस है, ठीक है। अर्थ के अंदर से ही वो हुआ है, वो प्लेट ऊपर नीचे हो गई है, तो उस तरह से वो पार्ट ज़मीन का वो पार्ट ऊपर हो गया है। अर्थ सरफेस है, नेचुरल एलिवेशन है ऑफ द अर्थ से, ये बनाया नहीं गया, ये नेचुरल है। रेंज किसे कहते हैं? माउंटेन जो अरेंज होते हैं एक लाइन में, वो कहलाते हैं रेंज। जैसे कि हिमालय एशिया में है, हिमालय की रेंज एशिया में, एल्प्स की रेंज माउंटेन की रेंज यूरोप में है, और एंडीज साउथ अमेरिका में। ये याद कर लेना कौन सा कहाँ है। तो हिल मतलब 600 मीटर से नीचे का होना चाहिए, बट जो ज़मीन नॉर्मल है उससे ऊपर हो तो हिल होगा, 600 मीटर से ऊपर ज़्यादा ऊपर उठा हो जाएगा तो हो जाएगा माउंटेन। रेंज होते हैं, जो माउंटेन अरेंज हो गया एक लाइन में तो होगी रेंज। तो लैंड फॉर्म जो है रिजल्टेड टू प्रोसेस के, एक तो इंटरनल कैसे बनते हैं ये, एक तो इंटरनल प्रोसेस होगा, दूसरा होगा एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में क्या है? अर्थ के अंदर ना कंटिन्यूस मूवमेंट है, जो प्लेट है, प्लेट्स की टेक्टोनिक प्लेट्स है ये, तो इसके ये थोड़ा देर इसमें मूवमेंट होता रहता है। इस मूवमेंट की वजह से ही जो अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ की सर्फेस होता है, जो प्लेट अर्थ की है ना क्रस्ट है, तो वो प्लेट्स हैं, जो प्लेट है थोड़ा बहुत मूवमेंट उनमें वो चलता रहता है, उस मूवमेंट की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ें, तो उसी वजह से ये इंटरनल प्रोसेस हो गया। किसका? लैंड फॉर्म बढ़ने का, हिल और माउंटेन बढ़ने का। उसमें ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है चीज़ें, अगर एक पार्ट नीचे तक गया दूसरा पार्ट ऊपर अपने आप हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होगा? ये कंटिन्यूस वियरिंग एंड डाउन द रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। ऊपर से चीज़ें खराब होती रहती हैं, टूटती रहती हैं और फिर से बनती रहती हैं। वो इरोजन क्या है? कि वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का जो ऊपर का पार्ट है वो अगर हट जाए तो हटता रहता है वो, उसे कहते हैं इरोजन। अगर वो हटा है तो कहीं ना कहीं डिपोजिट भी होगा, तो उसे कहेंगे डिपोजिशन। द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। इरोजन मतलब उस चीज़ को ऊपर से हटा देना, और डिपोजिशन मतलब उसके ऊपर कुछ चीज़ लगा देना, डिपोजिट कर देना। इरोजन मतलब हटा देना उस चीज़ को। माउंटेन क्या है? माउंटेन कोई भी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस है। जैसे कि जैसे हम गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर, ऊपर ठंड होता चला जाएगा, माउंटेन पे ठंड होती है। इन सब माउंटेन देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, बर्फ़ की नदियाँ हैं जो जम गई हैं, बर्फ़ है तो जमी गई है ना, तो उसको कहते हैं ग्लेशियर। माउंटेन के ऊपर चलते चलते ना टेम्परेचर कम होने लगता है, टेम्परेचर कम तो कहीं कहीं तो इतना कम है कि पानी भी जम चुका है, और उसे कहते हैं ग्लेशियर। माउंटेन में भी अरेंज इन ए लाइन, रेंज किसे कहते हैं याद कर लेना। रेंज मतलब एक लाइन में अगर माउंटेन अरेंज है वो होगी रेंज। कितने टाइप के माउंटेन? तीन टाइप के माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। फोल्ड, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक। फोल्ड माउंटेन क्या है? हिमालय माउंटेन है, और एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन। अरावली की जो रेंज है वो बहुत पुरानी रेंज है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अरावली इंडिया में ही है, और सबसे पुराना मतलब पुराने की लिस्ट में ही काउंट होता है। यंग में होता है हिमालय, हिमालय यंग माउंटेन है, और अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अप्लाइशन इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरल माउंटेन इन रसिया, ये एग्जाम्पल है इनके फोल्ड माउंटेन के, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। एक ब्लॉक जैसे बन गया ना, टूट गया तो कुछ हिस्सा नीचे धस गया तो एक दूसरा ऊपर उठ गया। लार्ज एरिया आर ब्रोकन, टूट गया एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली सीधा। एंड अपलिफ्टेड ब्लॉक आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट एंड लोअर ब्लॉक आर ग्रेवन। दो पार्ट बन गए ना, एक धस गया एक ऊपर हो गया। जो अपलिफ्टेड है जो खड़ा हुआ है वो उसे हॉर्स्ट कहते हैं, जो लोअर है ग्रेवन कहते हैं। जैसे कि राइन वैली एंड वेगास माउंटेन इन यूरोप, ये हो गए ब्लॉक। नेक्स्ट है वोल्केनिक माउंटेन, ये बनते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी से, जैसे कि किलिमंजारो बना अफ्रीका में, और फ्यूजियामा बना है जापान में।
माउंटेन यूजफुल है किस लिए? स्टोर हाउस ऑफ द वाटर, वाटर यूज फॉर इरीगेशन, जनरल नदियाँ सारी वहीं से बह कर रही हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने में काम आ रही है। जो रिवर वैली एंड टेरेस आर आइडल फॉर द एलिवेशन कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, इस तरह से वो क्रॉप के भी लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी है। रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, एनिमल प्लांट कुछ अलग ही टाइप के वैरायटी के हैं जिनके बहुत सारे पर्पज भी हैं, मेडिसिनल यूज भी हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं फ्यूल, फोडर एंड शेल्टर। और माउंटेन में डिफरेंट साइट पे जैसे कि पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं वहाँ। नेक्स्ट है प्लेटू। प्लेटू एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड है। फ्लैट तो है, सीधी लैंड है। एलिवेटेड मतलब थोड़ा उभरा हुआ पार्ट है, जो सराउंडिंग है उससे थोड़ा उभरा हुआ पार्ट है। हाइट जो वेरी करती है 100 मीटर टू सेवरल थाउजेंड मीटर कुछ भी हो सकती है। इंडिया में डीकन प्लेटू ओल्डेस्ट प्लेटू है। तिब्बतन प्लेटू इज द हाइएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 4000 से 6000 मीटर। ये पूछ जाते हैं इंडिया में तो डीकन प्लेटू है और तिब्बत का जो प्लेटू है वो हाइएस्ट प्लेटू, मतलब एक सपाट लैंड है जो सराउंडिंग लैंड है उससे ऊपर उठा हुआ पार्ट है वो। ये कुछ भी हो सकता, कितना भी उठा सकता है। जो तो हाइएस्ट जो प्लेटू है जो उठा हुआ है वो 4000 से लेकर 6000 मीटर है अबाउट द सी लेवल, इसे कहते हैं तिब्बतन प्लेटू। प्लेटू का यूजफुल क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी ये मिनरल डिपॉजिट होते हैं, मिनरल के काम में आते हैं, निकालने के काम आते हैं इसमें, मतलब ये अच्छा सोर्स है मिनरल का। अफ्रीकन प्लेटू तो फेमस है गोल्ड के लिए, डायमंड माइनिंग के लिए। छोटा नागपुर प्लेटू इंडिया में है, ये फेमस है। आयरन कोल और मैगनीज का सोर्स है, रिजर्वायर है, रिजर्व है आयरन कोल और मैगनीज का। लावा प्लेटू रिच होते हैं ब्लैक सोयल में, दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। सेवरल वाटरफॉल भी होते हैं उसमें, जॉगफॉल कर्नाटका में है। तो प्लेटू मतलब एक फ्लैट लैंड है जो सराउंडिंग से थोड़ा ऊपर उठ गई है, कितना भी ऊपर उठ सकती है। तो इंडिया में डीकन प्लेटू और सबसे जो हाइट वाला प्लेटू है वो है तिब्बतन प्लेटू वर्ल्ड में। ये याद कर लेना दो चीज़ें। और प्लेटू सोर्स किसका है? मिनरल्स का सोर्स है, जैसे कि अफ्रीकन प्लेटू तो सोर्स है गोल्ड और डायमंड माइनिंग का। छोटा नागपुर प्लेटू इंडिया में है, ये इसे मिलता है आयरन कोल और मैंगनीज, इसे याद कर लेना, कहीं ना कहीं ये चीज़ आती ही है। अब प्लेन क्या है? प्लेन आर द लार्ज स्ट्रेच ऑफ द फ्लैट, या प्लेन तो एकदम सिंपल प्लेन चीज़ हो गई। फ्लैट लैंड है, जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबाउट द सी लेवल। मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फॉर्म, ये रिवर से बने होते हैं, रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो मतलब रिवर कैसे रिवर में डिवाइड हो रही है, वहाँ से रिवर फ्लो करती है डाउन द स्लोप ऑफ द माउंटेन एंड इरोड देम। देखिए जो रिवर फ्लो करती हैं बहुत सारे सामान लेके आती हैं, और वो जब वो पानी अलग उस रास्ते छोड़ देता है तो वो इकट्ठा हो जाता है चीज़ें, उसी से बनते हैं प्लेन। जो रिवर बहा के लेके आई सामान चीज़ें मतलब मटेरियल, तो वो सभी कहीं वो डिपॉजिट कर चले जाते हैं उस एरिया में, जैसे वो बहा के जाती हैं तो उसका पानी कम होता है तो एरिया खाली हो जाता है, तो उस तरह से बनते हैं प्लेन। दे कैरी फॉरवर्ड एंड द इरोडेड मटेरियल दैन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, रिवर में होगा क्या, स्टोन सैंड सिल्ट, इस तरह से बनते हैं प्लेन। और प्लेन बहुत फर्टाइल है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी। जहाँ प्लेन है वहाँ ट्रांसपोर्ट भी बनाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाया जा सकता है, सड़कें बनाई जा सकती है। अगर पहाड़ी पहाड़ है तो बनाना मुश्किल है, अगर प्लेन है तो बनाई जा सकती है। दिस प्लेन आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड, क्योंकि वहाँ रहने लायक कंडीशन ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, इसलिए वो थिकली पॉपुलेटेड होती है। सब कम और सब कुछ छोड़ के प्लेन में रहने लायक कंडीशन ज़्यादा बेटर रहती है, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी। प्लेन एक अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड है, ठीक है। ये FIVS है इस चैप्टर के। हिमालय एंड एल्प्स आर एग्जाम्पल है, जंग फोल्ड ही याद कर लेना, हिमालय और एल्प्स। जंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, प्लेटू रिच में है, किसमें, मिनरल डिपॉजिट में। रेंज किसे कहते हैं? लाइन ऑफ माउंटेन को रेंज कहते हैं। प्लेन आर द मोस्ट प्रोडक्टिंग फॉर फार्मिंग खेती करने के लिए तो प्लेन ही अच्छा है। माउंटेन डिफर करते हैं फ्रॉम द हिल्स इन टर्म ऑफ एलिवेशन, अगर 600 मीटर से ऊपर है तो माउंटेन है, नीचे तो हिल। ग्लेशियर आर फाउंड इन द माउंटेन, डीकन प्लेटू इंडिया में है। रिवर यांगची फ्लो चाइना में, ये तो नाम बता रहा है चाइना वाला है। द इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप एल्प्स। वाट आर द मेजर लैंड फॉर्म, माउंटेन प्लेटू एंड प्लेन आर द मेजर लैंड फॉर्म है। वाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेटू, माउंटेन में है ब्रॉड बेस, ठीक है वो तो ब्रॉड बेस होना ही है, प्लेटू का फ्लैट टेबल फ्लैट होता है टॉप, सराउंडिंग एरिया थोड़ा ऊपर उठता है। वाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन, तीन टाइप के हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। माउंटेन थिनली पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ रहेगी कैसे, ये रहने लायक कंडीशन ही नहीं होती वहाँ। और माउंटेन ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप वेरी डिफिकल्ट है, बिल्डिंग बनाना भी डिफिकल्ट है, रास्ते बनाना भी डिफिकल्ट है। तो पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा रहेगी? प्लेन्स पर ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ कंडीशन बेटर है माउंटेन की कंपेरिजन में।
ये था क्लास सिक्स का चैप्टर 6, मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ, फुल चैप्टर।